देख लो वो सामने क्या कर रहा है, वो देखो पैसे ले रहा है, दिख रहा है, वो देखो एक पैसे ले रहा है। ये आरटीओ की हालत है, आप बोल रहे हो राजस्थान वालों को गालियां ना दो, दिख रहा है कैसे ना दूं भाई, देख सकते हो, वो देखो वो बेचारा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 6:30, तो हम पहुंच चुके हैं डब्बा वाली। तो गाइस जैसे आपने देखा पिछले व्लॉग में कि अपनी गाड़ी हो चुकी थी ख़राब, मेरी नहीं बाइक ही भाई, वो वाली गाड़ी हो चुकी थी ख़राब। तो भाई ना आज सुबह 3 बजे मतलब गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट हुआ। जो भाई थे वहाँ, जो मैकेनिक थे, वो बहुत ही अच्छे थे यार, उन्होंने पूरी रात मतलब गाड़ी का काम पे लगे रहे। और सुबह 3 बजे हम फ्री हो गए, 3 बजे ही फिर मैं सो गया था अपनी गाड़ी में, भाई ने उठाया तो उधर से निकल आए। अभी पहुँचे यहाँ डब्बा वाली, तो टैंक एक बार फिर से करवा दिया फुल। मेरी गाड़ी में 7,000 का पड़ा, भाई की गाड़ी में भी 7,000 का पड़ा, क्योंकि भाई टैंक फिर से दोबारा फुल कर दिया। अगर राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ महंगा है। तो चलो रखते अपना कंटिन्यू सफ़र, कहीं रास्ते में रुकेंगे, नहाए देंगे, कपड़े चेंज करेंगे। तो गाइस सुबह के 9:30 बज चुके हैं भाई, हम पहुँचने वाले हैं सरदार शहर, रह गया 60 किलोमीटर। तो अपनी गाड़ी पीछे रह गई, दीना भाई पीछे रह गए क्योंकि दीना भाई सोए थे, दूसरे भाई चला रहे थे, वो पीछे रह गए, उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाएँ उसके बाद निकलेंगे इधर से। ओ हम रुक गए एक प्यारी सी लोकेशन पे, यहाँ पेड़ ही पेड़ है भाई, साया था तो गाड़ी साये में ही पार कर ली। चलो वो आ जाएं उसके बाद निकलेंगे इधर से भाई, क्योंकि उनको अकेले नहीं छोड़ेंगे। जैसे मतलब गाड़ी में अब नया नया काम करवाना, क्या पता फिर से दिक्कत आ जाए, इसलिए हम इकट्ठे इकट्ठे ही जाएंगे। तो चलो वो आ जाए, भाई की गाड़ी चली गई और अभी रजा भाई भी उठ गए, चले थके तो नहीं। हाँ तो भाई ने देख लो अफ्तारी के लिए क्या क्या लिया, ये किसने दिए, यासर ने, यासर भाई। अच्छा अच्छा, आपने यासर भाई गए थे, उन्हें अफ्तारी के लिए देके गए। तो चलो भाई यार चलते हैं, भाई बोल रहे हैं कहीं होटल पर रुकना है, नहाना धोना है उनको, मैंने तो नहा लिया, नहा धो के मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, वो पीछे रह गए थे। तो गाइस आगे एक जगह भाई, एक जगह आके रुक के, क्योंकि भाई बोल रहे हैं कपड़े वगैरह धोने, वो चले गए वहाँ कपड़े धो रहे हैं। तो भाई वो इतनी गर्मी लगी थी, एक बार फिर नहाना पड़ा, मैं एक बार फिर नहा धो के फ्रेश हो गया भाई, क्योंकि यार गर्मी इतनी है ना भाई, लिमिट से भी ज़्यादा है। तो चलो भाई नहा धो के फ्रेश हो जाए बाकी वाले भी, फिर इधर से रखते हैं अपना कंटिन्यू सफ़र, क्योंकि भाई रुकेंगे नहीं यार। और ज़्यादा से ज़्यादा यही टारगेट रहेगा कि मतलब चलेंगे 2-3 घंटे, फिर थोड़ी रेस्ट देंगे गाड़ी को, क्योंकि भाई गर्मी इतनी है, टायर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो चलो भाई आ जाए फिर। तो भाई दिन के 1 बज चुके, तो अभी नहा धो के मैं गाड़ी में ही आया था, फिर मुझे नींद ही आ गई, मैं सो गया। और भाई रजा भाई ने वो टावल वावल गाड़ी के कुछ दो सारे धो के रखे, अपने कपड़े भी धो लिए, भाई भी नहा धो के आज चमक, आज नहीं लग रहे कि रजा भाई, आज लग रहा है कोई और है। वहाँ भाई गाड़ी मतलब गाड़ी की शो धो रहे थे भाई वहाँ पे, तो अब निकलने की तैयारी हो गई। तो चलो भाई इधर से निकलते हैं, हमने गाड़ी टर्न करके लगाई थी क्योंकि शो पे धूल ना पड़ जाए। तो चलो इधर से निकलते हैं सीधा, क्योंकि अब धूप है ना, धूप में आरटीओ नहीं निकले होते हैं बाहर, तो इससे पहले कि कोई आरटीओ निकल के सामने आ जाए और हमारी पुंगी बजा दे, पुंगी बजा दे, हमारी पुंगी बजा दे भाई, तो हम इधर से निकलते हैं 3,000 की पुंगी। तो इधर से निकलते हैं सीधा भाई, धूप देख लो यार बहुत ज्यादा है और काफी गाड़ियां इधर खड़ी हैं यार, अपना जैंड के जैंड गया भाई, मतलब धूप के लिहाज से बोल रहे हो और किसी लिहाज से नहीं भाई, बुरा नहीं मानना, क्योंकि हमें हर जगह से प्यार है, सिर्फ यहाँ के ना आरटीओ ही बुरे और कोई नहीं है। तो चलो इधर से निकलते हैं सीधा, करते हैं 200 किलोमीटर सफ़र और फिर गाड़ी को रेस्ट देंगे, क्योंकि गाड़ी के टायर वायर ठंडे होंगे भाई। और अपना टारगेट यही है कि सुबह निमच तो पहुंच जाएं, क्योंकि हमें थोड़ा लहसुन वगैरह कुछ देखते हैं डालना है। तो गाइस दिन के 2:30 बज चुके हैं भाई, पहुंच गए हम रतनगढ़ पहुंचने वाले हैं भाई, थोड़ा सा ही सफ़र रह गया भाई, सोचा गाड़ी को रेस्ट देते हैं। हमें ऐसे पेड़ मिले जो मतलब दोनों गाड़ियों की जगह थी, तो भाई ने पीछे पार्क कर ली गाड़ी, और भाई इतनी गर्मी है ना भाई, पसीना रुकने का नाम ही नहीं है मेरा। तो भाई सोचा यार कर लेते रेस्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ी शाम पड़ेगी तो निकलेंगे, वैसे दिन को निकल जाते तो अच्छा होता, क्योंकि यार आरटीओ नहीं मिल रहा था, क्योंकि आरटीओ धूप में नहीं बैठता, वो शाम को ही आएगा, थोड़ा ठंडा मौसम होता तो आता है, फिर रिस्क भी नहीं ले सकते, टायर ब्लास्ट होने का खतरा होता है क्योंकि गर्मी में टायर गर्म हो जाते हैं। तो चलो थोड़ी देर कर लेते हैं रेस्ट, वैसे भी गर्मी में कहाँ रेस्ट आएगी, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, 1-2 घंटा सो जाएंगे, शाम हो जाएगी, फिर निकलेंगे भाई इधर से।
चलो करते रेस्ट, उसके बाद आपसे। एक घंटा रेस्ट कर ली भाई, नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो भाई भी अभी वहाँ ही खड़े हैं, पीछे देख लो सकते हो आप मिरर में, वो पीछे खड़ी है भाई की गाड़ी। तो भाई बोल रहे हैं कि यार कंटिन्यू चलते हैं हम 2 घंटे, 6 बजे फिर हमने स्टॉप कर देना कहीं पे। तो भाई बेहतर रहेगा निकल जाए, क्योंकि यार ट्रैफिक अपने आरटीओ फिर आके बैठ जाएगा, आरटीओ बैठ जाएगा तो ऐसे ड्रामा हो जाएगा कहीं। तो चलो इधर से निकलते हैं, 2 घंटे और करते हैं सफ़र कंटिन्यू, फिर उसके बाद कहीं रुकेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। चले चलो रेडी टू रेस। भाई धूल देख लो यार, ऊपर से धूप देख लो कितनी धूप है। तो अपना सफ़र रह गया किशनगढ़ का 140 किलोमीटर। तो भाई थोड़ा सा ही सफ़र रह गया, कंटिन्यू चल ही रहे हैं, अभी कहीं रुके ही नहीं। और रजा भाई यहाँ अपना ब्लॉग वॉच कर रहे हैं, कैसा लगा कल का ब्लॉग? तो भाई कमेंट करके बताना यार, जो इससे पहले वाला ब्लॉग था वो कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो हम आ गए हैं मेन 4 लाइन पर, भाई आगे के चल रहे हैं क्योंकि यार भाई की गाड़ी थोड़ा ओल्ड मॉडल है ना, तो उनको मैं आगे रहा, अगर पीछे रह जाते हैं तो फिर पीछे ही रह जाते हैं, फिर इनका वेट करना पड़ता है। तो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की यार, सबसे ज़्यादा गर्मी ना भाई राजस्थान में ही लग रही है, बहुत ज़्यादा यार। तो चलो कहीं रुकते हैं आगे, डिडवाना वाली साइड रुकेंगे, डिडवाना पहुँचने वाले हैं वहाँ रुकेंगे, उसके बाद ना भाई थोड़ी करेंगे रेस्ट, गाड़ी के चक्के वक्के करेंगे ठंडे, फिर उसके बाद रखेंगे कंटिन्यू सफ़र। क्योंकि भाई हमें पता है हमें नीमच ही जाना है, नीमच से थोड़ा माल ऊपर डालना है, अगर नीमच से माल नहीं डालेंगे तो अपना किराया बड़ा कुछ नहीं बनेगा, बचेगा कुछ नहीं। तो रातों रात ही अपना यही रहेगा टारगेट के हम रातों रात ही नीमच आराम से पहुँचे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार आगे एक फ्लाई ओवर पे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। प्लास्टिक ड्राइवर इधर से घुस रहे हैं, ये देख लो भाई ने ड्राई दिया यार हारन देके, स्कॉर्पियो वाले हैं ना यार, क्या करें। ओ भाई देख सकते हो यहाँ कि मेरे ख्याल में ये कौन सी सिटी है, ये कंफर्म नहीं है मुझे कि कौन सी सिटी है, अगर बहुत ही प्यारी सिटी लग रही है। और यहाँ की ना हवा थोड़ी ठंडी सी लग रही है। दीना भाई आगे के चल रहे हैं, बड़े भाई को हमने आगे रखा हुआ है ताकि घूमना हो जाए। तो भाई मज़ा आ रहा है यार हाईवे पर चढ़ के, चलो रोड तो साफ मिली ना। चलो भाई साहब आप चलो, आप चलो हम आराम से, आप चलो आप चलो 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 चाहेंगे कि हमें आरटीओ ना मिला, अभी तक आरटीओ नहीं मिला भाई, ये पहला रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड मतलब आरटीओ नहीं मिला। और अपना सफर रह गया 149 किशनगढ़, वो देख सकते हो 149। और उसके बाद ना मैं यही दुआ करूंगा यार आरटीओ मिले ही ना पहली बार, दिल खुश हो जाएगा हमारा भी, फिर आरटीओ के लिए गलत नहीं बोलेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आरटीओ बड़ा समझदार है घर पे यार। अच्छा हकीकत यही है कि वो गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि यार वो एसी लगा के बैठेगा ना तो तेल थोड़ा उसका खर्च हो जाएगा, पैसे लग जाएंगे, गरीब है बेचारा। भाई कंटिन्यू चल रहा है, शाम के 6:30-7 बजने वाले भाई, अभी चमन सिटी पार की थी और सीन ऐसा हो गया कि अपने मेहमान वेट कर रहे थे आगे 200-300-400-500 का, मतलब आरटीओ साहब ना अभी अभी गाड़ी जस्ट पार कर रहे थे वो धक्का लगाने के लिए, और मुकद्दर इतने अच्छे थे जब तक वो गाड़ी पार करते हम निकल गए, और अपने दीना भाई साथ में तो उनको भी इंडिकेटर दिया वो भी निकल गए, थैंक गॉड बच गए यार। चलो अब यहाँ से निकलते हैं सीधा मामे के ढाबे पे चलते हैं, वहाँ रुकते हैं, अफ्तारी का टाइम भी है तो फिर वहाँ कुछ खा पी के उसके बाद निकलेंगे भाई इधर से, थोड़ा सा सफर रह गया अपना मामे के ढाबा पास पहुँचने वाले के भाई। तो गाइज अपना अफ्तारी का टाइम हो चुका है, चलो पहले कर लेते हैं अफ्तारी। तो अपने पहुँच गए मामे के ढाबे पे, यहीं करेंगे भाई। तो अपनी गाड़ी यहाँ कर ली पार्क, तो भाई देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं वहाँ पे, और दीना भाई ने वहाँ गाड़ी पार्क की, कहाँ पार्क की, उधर इधर ले आओ। तो रजा भाई को बोला टायर वायर चेक करें, भाई देख सकते हो कैंटर यार कितनी लंबी है, 10 टायरी गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो उसके बाद क्या बोल रहा था आरटीओ? बचता है कुछ? बचता नहीं, इनको देना पड़ता, इसमें बचता ही नहीं है कुछ, इसमें देखो राजस्थान में कितना आरटीओ बैठता है। अपनी किस्मत अच्छी है ना, ये बैठ ही रहा था तो मैं खींच के निकल गया। हाँ तो चलो भाई कर देते हैं अफ्तारी, उसके बाद देखते हैं, पहले तैयारी करेंगे। चलो ठीक है भाई फिर निकलते हैं इधर से थोड़ी टाइम बाद, क्योंकि थोड़ा अंधेरा पड़ गया, आगे जो होंगे उनको भी देखेंगे ना, फिर उनको भी थोड़ा मजा चखाएंगे। तो गाइस अपना ऑर्डर वगैरह दे दिया, रोटी जो भी लगवानी है वो दे दी, अपने भाई आए मिलने, क्या नाम है भैया का? मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक भाई, भाई के पास भी घोड़ा घोड़ा चलाते हैं ना? हाँ जी। आज दिन तक भाई ने घोड़ा ही चलाया?
फिर मैं आपके साथ आऊँगा, मुझे कनाडा जाना है ना, तो वो मुझे सिखाना आपको। हाँ, तो बाइक की गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी है, वो देख सकते हो लंबे वाली, वो पीछे सबसे लंबे वाली गाड़ी बाइक की है। मैं पहले भी देख रहा था, मैं ये लंबे वाला माल कौन लेके जा रहा, मुझे नहीं पता था अपना मन। भाई बोल रहे कि राजा भाई निकल रहा था, आपको देखा तो रुक गया, बादशाह अपना बादशाह क्या कि बादशाह देखा भाई रुक गए। चलो अच्छा लगा जब अपने बड़ा बड़ा कोई आता है ना, अपने बड़े भाइयों में से कोई आता है मिलने, तो अच्छा लगता है यार, क्योंकि हम हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलो करते हैं भाइयों से बातें, फिर उसके बाद करते हैं अपना डिनर, तो फिर उसके बाद निकलेंगे इधर से। तो भाई वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन क्या करें यार, बनानी पड़ी, क्योंकि आगे गार्ड आगे अपने खड़े हैं बंदे। जैसे आपने देखा कितनी गर्मी थी, कितनी बुरी हालत थी हमारी, फिर भी यार रात को इनको, दिन को रात को इसीलिए निकलते हैं, दिन को इनको गर्मी लगती है, और इनके पास सरकारी गाड़ियां भी हैं, उनमें तेल नहीं डालते, देख लो कितनी बचत कितनी कर रहे हैं बंदे। दो अगर ये ऐसे हो ड्यूटी करने वाले, तो ये दिन को एसी में भी बैठ सकते हैं गाड़ी में, तो इनको दिन को गर्मी लगती है और एसी के लिए भी तेल चाहिए भाई, इनको एक एक करके जोड़ना पड़ता है। तो चलो ये टॉपिक ना लगाएंगे, तो एक बार फिर से गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, मिलेंगे सुबह जल्दी ही कंटिन्यू व्लॉग में भाई। तो गाइज एक बार फिर से व्लॉग में आना पड़ा, रात के 10 बज चुके हैं भाई, जहाँ से यूरिया डलवा के जाते हैं हमेशा वहीं आ गए, किशनगढ़ में पहुँच गए, और यहाँ रहा अपना टाटा का शोरूम जहाँ से हमेशा हम डलवाते हैं, शेर बीरू मोटर्स, हमेशा यहीं से पिछली बार यहीं से डलवा के गए थे, और वापसी पे आके यहीं डलवाया, देख सकते हो भाई, यहाँ से कश्मीर और कश्मीर से वापस आके किशनगढ़, देख सकते हो अप डाउन कितने किलोमीटर हो गया, अभी भी 2 पॉइंट बचे हुए यूरिया के, टोटल होते हैं 4 नहीं 5 होते हैं टोटल, सॉरी 3 खत्म हुए, तो देख सकते हो कितनी एवरेज दे रही है। काफ़ी भाइयों के माइंड में चल रहा है कि भाई यूरिया ज़्यादा खा रही है, मतलब जो केमिकल है वो ज़्यादा खा रही है गाड़ी, केमिकल ज़्यादा नहीं खा रही है भाई, अपने हिसाब से खा रही है, और अपने पाँव की बात होती है। चलो भैया डालो फिर, चलो डलवाते हैं पहले इस टैंक को, करवाते हैं फुल, फिर इधर से निकलते हैं। हाँ जीरो है, कोई बात नहीं है, यहाँ ना ना हमारा ट्रस्ट है, कोई टेंशन नहीं, टाटा पर भरोसा करते हैं बहुत, फुल फुल फुल। चलो देखते हैं कितने का फुल हो रहा है, कितने का नहीं भाई, बता दें कि आपको कितना किलोमीटर अप डाउन हुआ, पता देख लो, किशन तो कश्मीर लगा लो, कश्मीर से किशनगढ़ वापस, वो पता चल जाएगा। तो चलो ठीक है, हो जाए टैंक फुल, तो मिलते हैं आप एक ही बार सुबह, आप बार बार नहीं, तब तक लिए बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो भाई हो चुकी है सुबह के बज चुके हैं 8, भाई अभी सोए हैं भाई, तो मैं तो कंटिन्यू चल रहा हूँ यार, और कुछ सीन कुछ ऐसा हो गया था भाई अपने साथ, रात को 1 बजे ना बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी यार, जो ही हम नसीराबाद पहुँचे तो मतलब इतनी नींद आ गई थी ना कि भाई आँख खोली नहीं रही थी, फिर दूसरे भाई को मैंने बोला कि भाई नींद है बहुत ज़्यादा, उन्होंने बोला रिस्क नो रिस्क भाई, अपना असूल है रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे हादसे भी देखते हैं, फिर डर ही जाते हैं यार। तो दूसरी बात है कौन सा हमारे पास फ्रूट था या कुछ ऐसा कच्चा माल था कि कुछ ख़राब हो, तो सोए गए थे भाई। उसके बाद ना 4:30 बजे होटल वाले ने जगा दिया, उसके बाद कंटिन्यू सफ़र रखा, अब अपना चित्तौड़गढ़ रह गया सिर्फ 50 किलोमीटर, तो चलो चित्तौड़गढ़ करते हैं पार, होते हैं इंटर MP में, फिर वहाँ रुकते हैं अपने ढाबे पे, नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे एक बार। तो भाई अपना सफ़र थोड़ा सा ही रह गया था, बस पहुँचने वाले हैं बॉर्डर पे, भाई का वेट कर रहे थे लेकिन वो आगे ही निकल गए मेरे से, मैं यहीं रुका था, मुझे पता नहीं, मैं कुछ काम कर रहा था, रोजा भाई भी उठ के अपने छोटे से भाई आए मिलने, क्या नाम है भाई का, सुनील, तो सुनील भाई आए, सुनील भाई ने बाइक से ही देखा, भाई ने हाथ मारा राजा भाई, मैंने बोला नहीं यार ऐसे नहीं जाएंगे, भाई से मिलके जाएंगे। तो भाई का यहीं मेन रोड पे होटल है, अब तो अपने घर वाली बात आ गई, होटल में रुका करेंगे, कोई बात नहीं भाई के पास। तो चलो भाई निकल के आगे यार पहुंचते हैं, पहले करते हैं बॉर्डर पार करके फिर नीमच में जाके रुकेंगे, फिर आपसे करेंगे कंटिन्यू। तो भाई अपने साथ पोपट हो गया यार, लास्ट पे एंड पे आके यार उन्होंने गाड़ी रोक ली, 500 रुपया लूट लिया, अब दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा सीन, छुपा के लेंगे इनका सीन, देखो भाई
देख लो वो सामने क्या कर रहा है, वो देखो पैसे ले रहा है, दिख रहा है, वो देखो एक पैसे ले रहा है। ये आरटीओ की हालत है, आप बोल रहे राजस्थान वालों को गालियां ना, तो दिख रहा है कैसे ना दूं भाई, देख सकते हो, वो देखो वो बेचारा गरीब। मतलब गर्मियों में हमारी इतनी बुरी हालत है ना कि क्या बताएं, गर्मी में बहुत बुरी हालत है। अब तेरे को क्या है? हाँ भाई, क्या रहना भाई, क्या बेचना है? टेलर पेच के सब कुछ है मेरी जान। बोतल है, है। महंगी देते हो, कितने की है? 200। ओ जेंट कैसे हो तभी, कितना दोगी? मत रहने दे, कितना है मेरे पास आ रहे आप? ओ है रजा भाई, लास्ट पे लग ही गया, लास्ट पे लग ही गया। तो गाइस अपने साथ, पोपटी हो गया लास्ट में यार, इतना टाइम बॉर्डर बचाते 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 कुछ नहीं हो यार, चलो लूट रहे। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम एमपी बॉर्डर पे भाई, देख सकते हो आप बाहर कितना रश है, वो देख सकते हो वहाँ भी लाइन है गाड़ी की, यहाँ भी हम दूसरी लाइन में खड़े हैं, और अपने महाराज भाई दीना भाई जिनको बोलते हैं वो आगे चले गए। तो गाइस ठीक है यार, बहुत सफ़र कर लिया पीछे हमें, अभी राजस्थान बॉर्डर पार किया था, वहाँ खर्चा आया 500 रुपया, 200 की जगह आज 500 ले लिया वहाँ पे। और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, थंबनेल में जैसे देखो वो कितना लूटते हैं, मतलब गाड़ी वाले को बोल रहा है 1000 रुपया दे दे, नहीं तो गाड़ी साइड लगा ले, डॉक्यूमेंट ले यार, मतलब यार कुछ भी क्या करें। हो एमपी इंटर हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे, उसी अपने मानसा ढाबे पर जाएंगे, जैसे पिछले व्लॉग में दिखाते हैं, पिछले व्लॉग में डाला था, वहीं ट्रांसपोर्टर के पास जाएंगे, तो भाई अपना माँ रेडी हुआ तो निकल जाएंगे, कंटिन्यू व्लॉग वहीं से रखेंगे। तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं भाई, के चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। तो जिन जिन भाइयों ने पिछले व्लॉग नहीं वॉच किए भाई, ये लिंक ये कॉर्नर में दिख रहे होंगे, इन पर क्लिक करो और जाओ पिछले व्लॉग देखो। तो सबको दिल से लव यू, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।